क्या YouTube से पेमेंट हर महीने आती है? आती भी है तो कितनी आती है? My YouTube चैनल was stuck, was a very depressing period for me. कि आपका चैनल शायद मोनेटाइज ना हो, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I make videos around fashion, beauty and travel. तो अगर आप एक नए YouTuber हो या फिर आप अपना YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि चैनल मोनेटाइजेशन के बाद की जर्नी आपकी कैसे होती है. मोनेटाइजेशन की पहले की जर्नी मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी होगा कहीं ना कहीं, तो वो जरूर देखना क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी पर्सनल जर्नी, अपने अप्स एंड डाउन, मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, मैंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. और रही बात हमारी आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मोनेटाइजेशन के बाद का प्रोसेस वो कैसा होता है, पेमेंट कब आती है, कितनी आती है. और यार ये सारा कंटेंट देखने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, सो प्लीज गो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो और अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज कमेंट करे बिना जाना मत. तो जिस मोमेंट आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है यूट्यूब पर, तब वहाँ पर लिखा आएगा कि आपने सारी गाइडलाइंस यूट्यूब की पूरी कर ली है और अब आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है. हो सकता है ऐसे मेरा ये मतलब है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका चैनल शायद मोनेटाइज ना हो, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आया हुआ. अगर आया हुआ है तो कितना आया हुआ है, लाइक कितनी वीडियोस पे आया हुआ है, एक पे आया हुआ है, दो पे आया हुआ है, कॉपीराइट क्लेम से इतना फर्क नहीं पड़ता. मैं बात कर रही हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक की. सो यूट्यूब ये सब कुछ एनालाइज करने के लिए लेता है 48 आवर्स, बट अगर सब सही रहता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 2 दिन वेट करना हो, आपको 1 दिन में भी मेल आ सकता है. जैसे कि मेरे साथ हुआ, मुझे एक ही दिन में मेल आ गया. तो जैसे ही मुझे मेल आया दैट यू आर अ पार्ट ऑफ यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी, तब मुझे लिखा आया कि अब आपको अपना गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाना है और वहीं पे आपको आपकी सारी पेमेंट्स दिखेंगी. तो मैंने सबसे पहले अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया, वहां पे जाके मोनेटाइजेशन ऑन करी कि हाँ अब फाइनली मेरी सारी वीडियोस में एड्स आनी चाहिए हैं, वीडियो से पहले, वीडियो के बाद में, वीडियोस के बीच में, एवरीवेयर. आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स डालनी है जिसके अंदर आप चाहते हो कि आपको यूट्यूब के पैसे आए और उसके बाद इट्स डन. लाइक ये सिर्फ 10-15 मिनट की बात होती है. आज की डेट में मैं आपको अगर बताऊं तो अब जो हमारे डॉलर्स जितने भी बनते हैं यूट्यूब के, वो हमें अपने यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो ऐप में दिख जाते हैं. मुझे वो डॉलर्स दिखते कहां पर हैं, तो जहां पे वो अर्न सेक्शन होता है ना, वहीं पर ही दिखते हैं. गाइज अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आई एम श्योर आपको वो अर्न में इस टाइम दिख रहा होगा कि आपके कितने वॉच आवर्स हुए हैं, तो वहीं पर ही मुझे दिखता है कि अभी तक मेरे कितने डॉलर्स बने हैं. सो ये जो ट्रांजिशन था ना वॉच आवर्स से लेके डॉलर्स तक का, ओ माय गॉड. मैंने शुरू से देखा है लोगों की वीडियोस कि वो बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, और मुझे ना कभी ऑनेस्टली लगा नहीं था कि मैं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे चैनल का जो वॉच आवर्स की स्पीड थी ना वो बहुत ही स्लो थी. लाइक माय जर्नी हैज बीन एक्सट्रीमली स्लो एंड या इट हैज बीन वेरी टफ. तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है ना, आपकी यूट्यूब वीडियोस पे एड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, इसके ऑलमोस्ट 1 वीक या 2 वीक्स बाद आपको यूट्यूब से मेल आता है कि अब ना आपको गूगल एडसेंस अकाउंट चलाना है और वहां पे आपको अपनी रेजिडेंशियल डिटेल्स अपलोड करनी है, यानी कि आपको अपने घर का एड्रेस अपलोड करना है. तो वो यूट्यूब इसलिए मांगता है क्योंकि अब यूट्यूब आपको वेरीफाई करना चाहता है दैट आर यू अ रियल क्रिएटर, इज दिस सम जेन्युइन अकाउंट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो जैसे ही आप अपना एड्रेस डालते हो, सेव करते हो, उसके 1 महीने बाद आपके घर पे आता है एक लेटर फ्रॉम गूगल एडसेंस. वो लेटर इसलिए आता है क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन चल रही है. तो अब बात करते हैं कि पेमेंट जो होती है वो कब आती है. 90% लोगों को मुझे लगता है यही लगता है कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जर्नी एकदम स्मूथ है, मक्खन है, अब तो कुछ करना ही नहीं है. आपकी जो असली जर्नी है ना, असली जर्नी, वो अब शुरू हुई है. यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पहले तो जो एक जर्नी थी वो अलग थी, लेकिन अब जो ये जर्नी है ना आपकी, वो उस जर्नी से बहुत मुश्किल है. लाइक मैं अगर इंडियन रुपी की बात करूं तो इंडियन यूट्यूबर्स को इतना नहीं मिलता है जितना अगर मान लो आप यूएस क्रिएटर हो. वहाँ का रेट अलग है और इंडियन रेट अलग हैं, और यहाँ पे हमें जो पैसे आते हैं ना वो उस हिसाब से आते हैं कि जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं वो अपनी एड्स में पैसे कैसे लगा रहे हैं. लाइक मान लो मेरी वीडियो से पहले वीडियो आई है तो ने अपनी एक एड पे कितना पैसा दिया
एक क्रिएटर को वो बहुत कम होता है, लाइक मान लो 25 पैसा 50 पैसा लाइक दैट, इतना कम होता है अमाउंट। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 23 अप्रैल 2023 और मुझे मेरी पहली पेमेंट कब रिसीव हुई, मुझे मेरी पहली पेमेंट मिली 25 जुलाई 2023। अब आप लगा लो कितना टाइम हुआ, मई जून एंड जुलाई, लाइक 3 महीने। 3 महीने बाद मुझे मेरी पहली पेमेंट मिली। वो क्यों हुआ, मैं उसके पीछे आपको रीजन बताती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको भी इतने टाइम के बाद ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। क्या पता आपकी पेमेंट अगले महीने आ जाए, ठीक है, क्या पता आपकी पेमेंट आने में 6 महीने लग जाए। तो मुझे ना बिल्कुल भी जो ये यूट्यूब की मैथ थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये तो डॉलर बढ़ ही नहीं रहा है, इतना स्लो बढ़ रहा है, लाइक दिन का $1, $2, $3 ऐसे बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे तो लगा कि ये कैसे $100 हो पाएगा। तो फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, यूट्यूब का एक और क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं होता कि पेमेंट बस आ ही जाएगी, जितनी भी होगी $50 बने तो $50 आ जाएंगे। आपको हर महीने मिनिमम आपको $100 कंप्लीट करने होते हैं। अब चाहे उस महीने आपके $100 हो, चाहे $200 हो, चाहे 300 हो, कितने भी हों, अगर आपके मिनिमम 100 हो गए $100, तो आपकी पेमेंट अगले महीने आनी ही आनी है। बट अगर आपके $50 हुए, 60, 70, 100 से अगर आपके बेसिकली कम डॉलर्स बने, तो आपकी पेमेंट अगले महीने नहीं आएगी। और मुझे ये बात पता थी, बट मुझे लगता था कि यार हो ही जाएंगे। बट फिर जब मैंने स्टडी करा कि हमारी जो ये इंडियन मार्केट है, ये बहुत ही कम पैसा लगाती है, लाइक जो ब्रांड्स है ना जिनकी एड्स हमारी वीडियोस से पहले आ रही हैं, वो ही पीछे से पैसा बहुत कम लगा रहे हैं, रेट बहुत कम है उनका पर वीडियो के हिसाब से, इसलिए हमारी जो पेमेंट है वो कम है। और इसका सिर्फ एक ही निचोड़ है कि आपकी जो वीडियोस है वो अच्छी चलनी चाहिए, व्यूज अच्छे आने चाहिए हैं। मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये सिर्फ मिसेज ऐसा हो रहा है कि यार ये क्या मतलब है यार, 3 महीने बाद पहली पेमेंट आ रही है, मतलब व्हाट नॉनसेंस। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने अपनी रिसर्च करी, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी कि यार क्या ये होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे जैसे और पता नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, और शुरू में पेमेंट इतनी रेगुलरली नहीं आती। इट टेक्स टाइम गाइस, चैनल मोनेटाइज होने में भी तो टाइम लगा ना, तो पेमेंट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और सारा जो खेल है ना, ये पेशेंस का खेल है। पेशेंस, डेडिकेशन, पैशन, ये 3 चीजें आपको चाहिए हैं। और अगर ये 3 चीजों से आप लगे रहोगे ना, तो ट्रस्ट मी, मंथली आपको 2-2 लाख 3-3 लाख भी आएगा यूट्यूब से। और अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी यूट्यूब से पहली पेमेंट कितनी आई। सो दिस इज हाउ मच आई रिसीव्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूट्यूब। मेरे सब्सक्राइबर्स अगस्त 2023 में 30K पर थे, और जनवरी 2024 तक भी वो 30K पर ही थे। माई यूट्यूब चैनल वॉज स्टक, माई यूट्यूब चैनल वॉज एट द लोएस्ट। पेमेंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, इट वॉज एट द लोएस्ट। वो एक बहुत ही डार्क पीरियड था मेरे लिए, एंड पर्सनली इट वॉज अ वेरी एग्जॉस्टिंग एंड इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग पीरियड फॉर मी। और बस मैं जानती हूँ कि मैं उस पीरियड से कैसे बाहर निकली। और फेब्रवरी 2024 से लेके अप्रैल फेब्रवरी 2024, 2 महीने में मैं कैसे 30K से 50K पर आई, वो जर्नी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द वंस हु नीड दिस वीडियो द मोस्ट। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी हेल्प चाहिए है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई मेक श्योर टू रिप्लाई ऑल माय सब्सक्राइबर्स। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द। बाय बाय।